हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बीटरूट की पराठा। ये आयरन से भरपूर होते हैं, इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम बना सकते हैं। तो चलिए बीटरूट की पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम बीटरूट, जिसे मैंने ग्राइंडर जार में डालकर इसे पीस लिया है। 2 कप मैंने गेहूँ के आटा में मैंने पीसा हुआ बीटरूट को डाल दिया। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच काला जीरा, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाल दिया है यहाँ पे, और स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक नरम डो तैयार कर लेंगे, बिल्कुल रोटी जैसा। आप देख सकते हैं मैंने कितना नरम डो तैयार किया है। अब मैं यहाँ पे लोई बनाऊंगी। पराठा का साइज मैंने मीडियम रखा है, इसके लिए मैंने मीडियम साइज के 4 लोई बना रही हूँ। आप पराठा का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके लिए आप लोई भी छोटा बड़ा बना सकते हैं। मैं 4 लोई यहाँ पे बनाऊंगी और मैं यहाँ पे आपको 4 पराठा तलकर दिखा रही हूँ। देखिए मैंने 4 लोई बना लिया है। अब चलते हैं इसे बेलने के तरफ। थोड़ा सा आटा लगाएंगे, इसे इस तरह हथेलियों से बड़े करेंगे और इसे बेलेंगे। मैंने इसी तरह बारी बारी करके 4 पराठा बेल लिए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने इसे रोटी जैसा ही बेला है। अब चलते हैं तलने के तरफ। मैंने एक पैन चढ़ाया है, पैन के गर्म होते यहाँ पे डालेंगे 1 पराठा। जब ये एक साइड थोड़ा सा पक जाएंगे तब इसे पलट देंगे। देखिए अब यहाँ पे तेल डालकर एक साइड इसे सेक लेंगे, फिर दूसरी तरफ भी तेल लगाकर इसे सेक लेंगे। अब पराठा को दोनों साइड तेल लगाकर अच्छे से दबाते हुए इसे पका लेंगे। देखिए मैंने दोनों साइड इसे सेक लिया है। इसी तरह मैंने बारी बारी करके 4 पराठा सेक लिया है। मेरा 1 पराठा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं सर्व करने के तरफ। ये बहुत हेल्दी नाश्ता है फ्रेंड्स, आप इसे नाश्ता टाइम आराम से बनाकर ले सकते हैं। बच्चे इसे सलाद में नहीं खा पाते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। आप इस तरह बनाइएगा तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे और बड़े भी बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अपने एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।